बुलंदशहर में फूड सेफ्टी विभाग की बड़ी कार्रवाई। बुलंदशहर में एक्सपायरी डेट की कोल्ड ड्रिंक बरामद। कोल्ड ड्रिंक की 1000 से अधिक बोतलों को कराया नष्ट। फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने बोतलों को खुलवाकर कराई गई कोल्ड ड्रिंक नष्ट। फूड सेफ्टी विभाग की कार्रवाई से मचा हड़कंप। रोडवेज से अनुबंधित खुर्जा बाईपास स्थित कृष्ण यात्री प्लाजा में फूड सेफ्टी विभाग ने की छापेमारी। बुलंदशहर से संवाददाता कपिल सिंह की रिपोर्ट। कोल्ड ड्रिंक बरामद की गई है, क्या पूरा मामला है सर, ये कहाँ से बरामद की गई है? ये 11 तारीख को हम रात्रि लगभग 8-9 बजे करीब कृष्णा यात्री प्लाजा है खुर्जा बाईपास पर, जहाँ रोडवेज का कॉन्ट्रैक्ट है वो बसें काफ़ी मात्रा में रुकती हैं और जो पैसेंजर्स हैं वहाँ रुकते हैं वो खाना भी खाते हैं, वहाँ कोल्ड ड्रिंक और सॉफ्ट ड्रिंक भी वहाँ बिकती हैं। तो हमें शिकायत मिल रही थी तो अचानक वहाँ छापेमारी कार्रवाई की तो लगभग 1000 से ज़्यादा मात्रा में बोतलें वहाँ बरामद हुई जो एक्सपायर हो चुकी थी, जिनको मौके पर नष्ट करा दिया गया और उनको नोटिस सर्व कर दिया है। अगर पुनरावृत्ति हुई तो आपका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जाएगा और जहां रोडवेज का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे भी हम रद्द कराने की कोशिश करेंगे। सर, ये एक्सपायरी डेट की जो कोल्ड ड्रिंक्स और सॉफ्ट ड्रिंक थी, क्या इनकी जो यात्रियों को सप्लाई की जा रही थी, बेची जा रही थी क्या ये? जिस तरह से वहाँ पर रखी हुई थी तो वो ये संदेह तो होता है कि वो मानव उपभोग के लिए रखी गई है। यार